अपने दोस्तों के लिए हिमाचल से चरस खरीदकर नागपुर पहुंची सुशिक्षित युवती को क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस सेल ने रेलवे स्टेशन के सामने गिरफ्तार किया। उसके दो साथी भी आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों में राजेश्वरी शिवनानी, ऋषभ सेवलानी और रोहित जेठानी का समावेश है। एनडीपीएस सेल को जानकारी मिली थी कि आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से तीन महिलाएं नागपुर आ रही हैं, उनमें से एक के पास चरस है। खबर के आधार पर पुलिस ने पंचों को साथ लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में जाल बिछाया। मेन गेट के पास पुलिस ने संदेह के आधार पर तीनों को रोका। तीनों के सामान की तलाशी ली गई। राजेश्वरी के जैकेट की जेब में पुलिस को प्लास्टिक की पन्नी में 19 ग्राम चरस मिली। अन्य दो के पास कुछ संदेहास्पद नहीं मिला। पुलिस ने चरस जब्त कर राजेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया। माल कहां से और किसके लिए खरीदा पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी। इसी दौरान जरीपटका में ही रहने वाले ऋषभ सेवलानी और रोहित जेठानी से बातचीत हुई। दोनों ने उसे कसौल के स्टोन गार्डन कैफे में जाकर एक व्यक्ति से चरस खरीदने को कहा था। इसके लिए दोनों ने गूगल पे द्वारा अकाउंट में पैसा भी भेजा था। सुशिक्षित होने के बावजूद राजेश्वरी अपने दोस्तों के चक्कर में फंस गई। वह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने उसे सीताबर्डी पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पकड़े जाने की खबर मिलती ऋषभ और रोहित घर से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के घरों पर दबिश दी लेकिन वह गायब थे। पुलिस ने राजेश्वरी से फोन भी जब्त किया है। दिनांक 12/12/2022 रोजी अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना खबर मिळाली होती की तीन महिला या सिमला कसोल या परिसरामधून दिल्ली येथून आंध्र प्रदेश एक्सप्रेसने नागपूरला येणार आहेत आणि त्या महिलाकडे चरस असण्याची खबर प्राप्त झाली होती। त्या खबरच्या अनुषंगाने नागपूर मध्यवर्ती रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर सीताबर्डी पोल स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पंचांसमक्ष महिला आमदारांच्या सहाय्याने अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याचे तंतोतंत पालन करून त्या महिलांची खात्री करून त्यांची झडती घेतली असता त्यातील एका महिलाकडे आपल्याला 19 ग्रॅम चरस आढळून आलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण सीताबर्डी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला आणि पुढील कारवाई सीताबर्डी पोलीस स्टेशन करत आहे। सध्या आपल्या तपासामध्ये प्राथमिक असं दिसून आलेलं आहे की हे ह्या महिला ज्या आहेत ह्या वेल एज्युकेटेड महिला आहेत आणि यांच्या मित्राच्या सांगण्यानुसार त्यांनी कसोल या ठिकाणावरून चरस घेतल्याचे दिसून येते। या संदर्भात पुढील तपास सीताबर्डी पोलीस स्टेशन करत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।